हम सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य अध्ययन के अलावा किसी भी चीज की हम इस चैनल पे कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। सामान्य अध्ययन में आप पढ़ेंगे इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र के बारे में। अब ये अर्थशास्त्र जो संविधान है ये हमारे बहुत ज्यादा किसके काम में आते हैं, तो जो आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उसमें काम आते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम है जिसके लिए आप बेहतर बन सकते हैं। तो आपका है लोअर पीसीएस, पीसीएस, आरओ। जैसा कि आप ये जानते हैं इसी के तैयारी हम भी करते हैं और इसी चैनल के माध्यम से हम पढ़ते भी हैं और हम पढ़ाते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हम करेंगे क्या। हमें लगातार केवल एक ही टारगेट रखना है कि किसी भी तरीके से हमें कंपटीशन को क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए हमारे पास रणनीति क्या है? हमारे पास रणनीति ये है कि हमारा एक प्लान है। प्लान ज्योग्राफी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें जो अंसाल पेपर दिए गए हैं वो हमें उठाना है, अंसाल भर करना है और अंसाल में ये देखना है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है वो किस पार्ट से पूछा जा रहा है, आगामी एग्जाम में वो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, ये हमें देखना होगा क्योंकि हमें क्रैक करना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या होती है करंट के लिए कि करंट हम कैसे तैयार करें। करंट को तैयार करने के लिए आपको समझना होगा पहले इतिहास, करंट को समझने के लिए समझना होगा भूगोल, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप देखेंगे आपको 75% क्वेश्चन मिल जाते हैं। यदि आप अर्थशास्त्र तैयार कर लिए हैं तो 75% करंट आपका तैयार हो जाता है। दूसरी चीज, फार्मूले को हमें छोटे छोटे बच्चों के बीच भी बताना है क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो हमारे एकेडमी के बच्चे हैं वो इग्नोर कर देते हैं इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र को इग्नोर कर देते हैं। एकेडमी के टीचर को, एकेडमी के बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि नहीं भाई, आपके जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उस एग्जाम में यहाँ से बहुतायत रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि सर जब आप इतिहास पढ़ाते हैं, जब आप भूगोल पढ़ाते हैं, संविधान पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं कि बोर सा महसूस होता है। अब देखिए ये बोर क्यों महसूस होता है, उस बोरिंग को हटाने के लिए हमने ये अपना चैनल खुद ही शुरू कर लिया है। तो इसके माध्यम से हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी बताते हैं, एकेडमी पढ़ाते भी हैं और एकेडमी के बच्चों को बताते हैं किस तरीके से आप जो है सिविल सर्विस में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी होता है, लड़कों के अंदर केवल और साइंस और मैथ को लेकर भय बना रहता है कि अगर हमारा साइंस मैथ मजबूत है तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे इंटर पास करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये आर्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसको हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं अगर आपको पीसीएस बनना है तो आर्ट में पकड़ बनानी होगी, तभी आप पीसीएस बन सकते हैं क्योंकि हम आर्ट से ही आगे बढ़ रहे हैं और पीसीएस में किसी तरीके से क्रैक करें।